अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसा आप सब लोग। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक मीडिया बायर इंटरनेशनल क्लाइंट से कितने डॉलर पर मंथ चार्ज करे, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल में देख रहा होता हूँ, लोग सवाल मुझसे ही पूछ रहे होते हैं कि बाजार में मैं कितने डॉलर क्लाइंट से चार्ज करूँ। और मैं न्यू भी हूँ, मैं लेट्स से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कितना चार्ज करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं बायफर्केट करूँगा एक्सपीरियंस वाइज की जो न्यू बीज है वो कितने चार्ज करें, वो क्यों करें, एक्सपर्ट कितने चार्ज कर सकते हैं, किस तरह आप मतलब ये कि किस तरह आप चार्जेस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेट से अगर आप 500 डॉलर चार्ज कर रहे हैं नॉर्मली कोई एक्सपर्ट बनते हैं, तो वो किस तरह 1000 डॉलर पर जा सकता है। एक लाइव एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह वो अपकमिंग वीडियोज में, तो मेक श्योर करें मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले एक न्यूज़ शेयर करनी थी, वो ये थी कि मैं टिकटॉक ब्लूप्रिंट कोर्स शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी वजह यह है कि मैंने वोटिंग की थी, मैंने पूछा था कि कौन कौन चाहते हैं कि कोर्स वगैरह लॉन्च हो, तो आप देख सकते हैं कि 80 प्लस लोगों ने वोट किया है कि अब मैं कोर्स लॉन्च करूँ। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च करूँ, जिसके अंदर मैं ए टू जी टिकटॉक ऐड्स कवर करूँगा, ऑर्गेनिक भी कवर करूँगा और पेड पार्ट भी कवर करूँगा। इसके अलावा मैं जो मेरे लाइफ के स्टडीज हैं वो भी शेयर करूँगा सारे, और अब तो इंशाल्लाह इतना मैं कैपेबल कर दूंगा कि आप एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप खुद डिसीजन बना सकेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि डिसीजन कब बनाना है, कब नहीं बनाना, उसको कब टर्न ऑफ करना, कब टर्न ऑन करना, ये सारी चीज़ें सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, तो ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इंशाल्लाह इतनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप एक कॉन्फिडेंट रहेंगे और उसके बाद खुद ही डिसीजन मेकिंग भी कर सकेंगे और स्केल भी कर सकेंगे। अच्छा, तो आप कोर्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं, मैंने जो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने कमेंट पे पिन भी कर दिया है, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो मेक श्योर करें उस जो गूगल फॉर्म है उसको आप सबमिट करें, और उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐड करेंगे और वहीं से ही हम लोग कोर्स का आगाज करेंगे। अच्छा, जो कोर्स है वो हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ फेब। तो अगर आप लोगों को टिकटॉक ऐड्स लर्न करना है, स्केल करना, किस तरह स्केल करना है, तो मेक श्योर करें इस कोर्स का पार्ट बने। अच्छा, तो ज़्यादातर मीडिया बायर्स हैं वो एक स्पेसिफिक डोमेन मैनेज कर रहे होते हैं, लाइक के क्रिएट कंपेन कर रहे होते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइज स्केलिंग वगैरह, जो कि हेल्प आउट करती है फॉर स्पेसिफिक क्लाइंट। बट ये है कि हम बिल्कुल ही महदूद हो चुके हैं फॉर मीडिया बायर्स, हम लोग दूसरे स्किल्स लाइक क्रिएटिव प्रकार भी कर रहे हैं, मतलब आइडियाज़ नहीं पता हमें, लैंडिंग पेजेस का नहीं पता, जिसकी वजह से जो हम लोग चार्ज हमें ज़्यादा करना चाहते हैं वो हम फिर कम कर लेते हैं। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि आप एक सर्विस की जो आप स्पेसिफिक मीडिया बायर्स के लिए चार्ज कर रहे हो आप किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब हाई टिकट जो मतलब एक क्लाइंट अगर आप 500 डॉलर चार्ज कर रहे हैं तो आप 1000 पर किस तरह जंप कर सकते हैं। तो चले हम सबसे पहले चार्जेस की बात करते हैं। अच्छा, तो मेरे 3 गिग्स बने हुए थे कि जो सबसे पहले था कि मैं 7 दिन तक एड्स चलाऊंगा, दूसरा जो पैकेज था वो ये था कि मैं मतलब 2 वीक्स के लिए चलाऊंगा, फिर जो तीसरा था वो पूरे महीने के लिए। तो अगर मैं पर मंथ की बात करूँ तो मैं मिनिमम मैं अगर कहूँ मैं 250 से 300 डॉलर चार्ज करता था, मैं अगर एज ए न्यूबी बात करूँ तो जो आप मिनिमम भी चार्ज कर सकते हैं वो 200 डॉलर कर सकते हैं मिनिमम, या मैक्सिमम भी मैं कह सकता हूँ 200 से 250 डॉलर इज मोर देन इनफ फॉर अ न्यूबी जो जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया या उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है 2-3 महीने का, वो इतना डॉलर चार्ज कर सकते हैं और क्लाइंट आर विलिंग टू पे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के क्वालिटी जो कॉन्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, आपको मेक श्योर ये करना है कि भले आपको प्रैक्टिकली नॉलेज ना हो बट थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी बट प्रैक्टिकली जैसे मैंने क्लाइंट्स जीते तो प्रैक्टिकली मैं इतना ज़्यादा कर नहीं पाया, इफ आई टॉक अबाउट फेसबुक और टिकटॉक। तो आपको मेक श्योर करना है कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप क्लाइंट को कन्वे भी कर सकेंगे, आप क्लाइंट को समझाएंगे कि आप यहाँ पे इशू कर रहे हैं, यहाँ पे इशू कर रहे हैं, तो आप लेट्स से क्रिएटिव पे इशू, आप अगर आपको पता है कि क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए तो आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि क्रिएटिव पे ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, भले आपको प्रैक्टिकली
ना पता हो कि टेस्टिंग वगैरह क्या होती है, बट आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि क्रिएटिव किस तरह के होने चाहिए। तो बेशक करना है कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आप गेट करें। उसके बाद फिर सेकंड आ जाता है कि जो मिड लेवल लाइक जिसके जो एक्सपीरियंस है 6 से 1 साल तक का है, तो वो कितना चार्ज कर सकता है। तो वो जो चार्जेस है वो अराउंड कर सकता है $300 से $400 या मैक्सिमम $500 तक। और जो मिड लेवल वाले जिनको 6 महीने से 1 साल तक का एक्सपीरियंस है, द पर्पज इज टू गिव यू एन आइडिया कि एक जो मिड लेवल मीडिया वाले वो कितना चार्ज करें, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपर्ट। मतलब एक्सपर्ट जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस जो उसे, मतलब उसने $5 लाख, $6 लाख, $7 लाख, मतलब $1 मिलियन से स्पेंड किया हो, उसको मैं कहता हूँ एक्सपर्ट, क्योंकि जिसको पता है उसने अच्छी खासी स्पेंडिंग की हुई। एक्सपर्ट में उसको नहीं कहता जिसने $10,000-$20,000 स्पेंड की हो, क्योंकि दैट्स नॉट एन इनफ अमाउंट इन द इंटरनेशनल मार्केट। भले वो लोकल के लिए वो ज़्यादा अमाउंट कंसीडर की जाती हो, बट इंटरनेशनल के लिए ये $10,000-$20,000 आपने टोटल स्पेंड किया है, और तो उसको हम एक्सपर्ट नहीं कहेंगे। इवन मैंने भी इस 2 साल के पीरियड में मैंने 3 मिलियन से ज़्यादा स्पेंडिंग किया है, और मैं मंथली 0.5 से 0.6 मिलियन पर मंथ में मैनेज कर रहा हूँ, और स्टिल मैं लर्न कर रहा हूँ, हर दफ़ा मैं लर्न कर रहा होता हूँ। तो ये है कि आप जो एक्सपर्ट चार्ज करते हैं मिनिमम वो $700 से $1,000 तक करते हैं एक क्लाइंट से पर मंथ, ठीक है। रिटेनर फी जिसको आप कहते हैं, आप कोई 1500 भी करते हैं, बट जो एक थ्रेशो में बता रहा हूँ जो नॉर्मली चार्ज करते हैं $700 से $1,000 तक, जो कि आप भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थे जो थ्रेशोल्ड के जो न्यूबीज है वो कितने चार्ज कर सकते हैं, और जो मिड लेवल मीडिया बायर्स है वो कितना चार्ज कर सकते हैं, और जो एक्सपर्ट है वो कितना चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि आप जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 500 से 1,000 किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक मैंने मिसाल दी थी, बट बताने का मकसद ये था किस तरह एक जो आप मीडिया बायर की सर्विसेज दे रहे हैं वो उसको उस जो सर्विस कॉस्ट को किस तरह डबल कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं by 50%, जो कि एक मेरे पास एक रियल केस स्टडी भी है, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इन दी अपकमिंग वीडियोस। तो मेक श्योर करें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अच्छा, तो सबसे पहले मैं पॉइंट शेयर करूँगा रिगार्डिंग कि आप किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें जो सराउंडिंग जो स्किल्स हैं लाइक इंटरकनेक्टिंग या जो सिंक है उस मीडिया बाइक के साथ वो लर्न करें। अब जैसे मीडिया बाइक वो है क्रिएट कंपेयर टू पब्लिश कंपेयर, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये हर कोई कर सकता है, बट आप कहते हैं क्या यूनिकनेस है, मतलब क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आप उसकी बेसिस पर आप हायर चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर आपकी बात करूँ तो मुझे क्रिएटिव के बारे में पता है, लैंडिंग पेजेस के बारे में पता है किस तरह की लैंडिंग पेजेस होनी चाहिए, कस्टमर जर्नी किस तरह की होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे और क्रिएटिव क्या एंगल का वर्क करना चाहिए, हुक किस तरह का होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, और ये सारी चीज़ें मुझे आइडिया है, मुझे नॉलेज है लैंडिंग पेजेस का, इंस्टेंट पेजेस का, और किस तरह एनालाइज करते हैं लैंडिंग पेजेस को, किस तरह एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ों का मुझे नॉलेज है। मुझे सिर्फ मीडिया बैग नहीं आती, मुझे ये सारी चीज़ें भी आती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको ये स्किल्स सारी स्किल्स आ रही होती है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। आप क्लाइंट को कहें कि ये मेरे साथ हो भी चुका है कि मैं क्लाइंट को कहता हूँ लेट्स से मैं क्लाइंट को कहता हूँ मैं $800 चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, और वो कहेगा यार सिर्फ मीडिया बाइक तो करनी है। मैं कहता हूँ अगर आपको आप चाहते हैं सिर्फ मीडिया बाइक करूँ तो मैं $500 से $600 लूँगा, उसमें मैं सिर्फ मीडिया बाइक करूँगा, मैं आपको ना क्रिएटिव में हेल्प आउट करूँगा ना लैंडिंग पेज पे करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लैंडिंग पेजेस पे भी हेल्प आउट करूँ, अगर क्रिएटिव पे भी करूँ, तो मैं आपसे $800 से $900 लूँगा। तो वो ऑटोमेटिकली मान जाता है, वो कहता है यार अगर मैं अगर $500 से $600 दे ही रहा हूँ तो $200-$300 और दे देता हूँ, मुझे हेल्प आउट हो जाती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपसेलिंग कर सकते हैं, आपकी जो सर्विस कॉस्ट है वो इंक्रीज करवा सकते हैं। और इस तरह मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, एक ही बहुत ही अच्छा है जो सर्विस कॉस्ट है उसमें हमने एक क्लाइंट को क्लोज भी किया है, जो कि किस तरीके से मैंने आपको कहा कि मैं शेयर करूँगा। और इस तरह आप लोग अपसेलिंग कर सकते हैं और आपकी जो सर्विस कॉस्ट है वो इंक्रीज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एड करता हूँ, उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर करें मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करेगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।